सैमसंग का 653 लीटर साइड बाई साइड 3-स्टार रेफ्रिजरेटर डेमो इंस्टॉलेशन और अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और पूरा वीडियो को देखें। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लालजीत वर्मा और मेरा यूट्यूब चैनल एलबी टेक्निकल सपोर्ट में आपका स्वागत है। तो मैं बताऊंगा कि आप जब न्यू फ्रिज लेते हैं तो कितना समय के बाद इसमें लाइन देना चाहिए, इसको ऑन करना चाहिए और इसमें कैसे टेम्परेचर सेट किया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। इसका जो सालाना खर्च है 547 यूनिट पर ईयर। फ्रिज का 1 साल वारंटी और कंप्रेसर का 20 साल वारंटी के साथ आता है। इसका मॉडल नंबर ये है। ये रहा फ्रिज जो कि बाहर से इस प्रकार दिख रहा है, और फ्रिज का राइट साइड और फ्रीजर का लेफ्ट साइड। इसमें आप काफ़ी ज़्यादा अपने हिसाब से सामान रख सकते हैं। और ऊपर भी देखिए ट्विन कूलिंग दिया हुआ है। और ये रहा आइस मेकर जो कि मूव वाला है। और ये रहा जो साइड में दिया हुआ होता है बॉटल्स वगैरह रखने के लिए। और ये रहा फ्रीजर तरफ का। कम से कम 4 घंटा स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो अभी हम फिलहाल आपको डेमो बता दे रहे हैं इसका। तो 4 घंटा के बाद ही स्टार्ट कीजिएगा जब से आया हुआ है। लेफ्ट साइड वाला फ्रीजर हो गया पूरा ऊपर से नीचे तक, और लेफ्ट साइड राइट साइड वाला पूरा फ्रिज हो गया। हाँ, आप इसमें फ्रिज का सामान रखिए ऊपर से नीचे, और इसमें फ्रीजर का रखिए। ये है आइस मेकर दिया हुआ है जो कि इसमें पानी रखिएगा, तो जब आइस बन जाएगा तो आप इसमें निकाल सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि उसी में आप रखिएगा पानी तो आपका बनेगा, आप कहीं पर भी पानी रख दीजिएगा आइस बन जाएगा। और इसमें केवल आप पैकिंग सामान ही रखिएगा, और फ्रिज में आप जो नॉर्मल रखते हैं वो रख सकते हैं। बाकी ये रहा नीचे का साग सब्जी रखने का, और इधर आप जो रखते हैं। और इसका देखिए टेम्परेचर जो कंट्रोलर दिया हुआ है अंदर ही दिया हुआ है, वो भी छोटा सा डिस्प्ले में ही है। ओके, ठीक है। तो देखिए अभी जो इसका करंट टेम्परेचर है ये उसका है। तो देखिए ये वाला जो है ना, ये है कन्वर्टर मतलब सेलेक्टर के लिए, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी देखिए ये बिलिंग कर रहा है ऊपर वाला, तो ये फ्रीजर का है जो बिलिंग कर रहा है माइनस उन्नीस में। हम जितना भी ज्यादा माइनस में जाते हैं उतना जल्दी आइस बनाएगा, जितना हम कम में जाएंगे उतना समय लगेगा आइस बनाने में। तो नॉर्मल हमको -18 में रखना है। फिर बीच वाला कर दिए, हाँ ओके कर दिए, सेलेक्ट कर दिए, तो ये फिक्स हो गया। अब नीचे वाला जो है सर, अब नीचे वाला हम कैसे जाएंगे, इसी को प्रेस किए बीच वाला, तो नीचे देखिए ब्लिंक करने लगा। तो इससे भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें उल्टा है, हम जितना ज़्यादा में जा रहे हैं उतना सर कूलिंग कम करेगा, और जितना कम में हम जाएंगे उतना ज़्यादा कूलिंग करेगा। इसको आप ये भी कर सकते हैं मोबाइल से भी कनेक्ट। तो हम 3 में ही छोड़ दे रहे। ये आपका फ्रिज जो है कन्वर्टर है। अब वो कैसे होगा, ये तो फ्रिज ही है, टेम्परेचर 3 ही रहेगा। अब फ्रीजर जो है उसको हम प्लस में कर दे रहे हैं। ओके, समझ। इससे इसको प्रेस करके 3 चला गया, तो ऊपर भी मतलब फ्रीजर का भी टेम्परेचर हो गया 3, और फ्रिज का भी टेम्परेचर 3 हो गया। तो क्या होगा कि फ्रीजर आपका आइस नहीं बनाएगा और फ्रिज ऐसा ही काम करेगा। फिलहाल आपको देखिए खाली में ना 3 से 4 घंटा चलाना है, मतलब 3 बजे आपका आया था फ्रिज, तो 3-4 घंटा के बाद हम आपको चालू करने बोले लाइट देने। अब जब फिर 3 घंटा स्टार्ट कीजिएगा तो 3 घंटा खाली में आपको जब हो जाएगा चालू कीजिएगा, उस समय 3 घंटा के बाद ही सामान रखिएगा, जब पूरा कूलिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको हम नॉर्मल करके छोड़ दे रहे हाँ प्लस। आप ये देखिए ये डोर अलार्म होने लगा क्योंकि ज़्यादा देर खुला रख रहे हैं हम लोग। और इसमें ये भी है कि जैसे इसमें फ्रीजर था आइस बन रहा था, आप तुरंत आप कन्वर्ट कीजिएगा, तुरंत नहीं होगा, 1 से 1.5 घंटा टाइम लगेगा।